दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के बचत भवन में डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल की अध्यक्षता में 11 से 17 जनवरी तक मनाए जाने वाले रोड सेफ्टी वीक के संबंध में मीटिंग की गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल ने बताया कि इस रोड सेफ्टी वीक में शहर के अलग अलग स्कूलों के बच्चे आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान बच्चों के पेपर रीडिंग, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें विजेताओं को इनाम भी वितरित किए जाएंगे। इस दौरान डीटीओ अनिल कुमार गर्ग, एसीपी ट्रैफिक डॉक्टर ऋचा अग्निहोत्री सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रोड सेफ्टी वीक जड़ा हैगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी अते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दी हिदायत हैगियां, वो 11 जनवरी तो 17 जनवरी तक असी मना रहे हैगे। इस दे विच अलग अलग एक्टिविटीज असी प्लान कीतियां होईगा, हर दिन दी एक एक्टिविटी है जिहड़ी प्लान कीती हैगी है। साड़ी कोशिश यह हैगी है कि समाज के विभिन्न अंगों नाल मिलके, सोसाइटी के अलग अलग तबकों नाल मिलके इस वीक दे विच जो मंशा गवर्नमेंट की हैगी उन्हों वड्डे पद्धर से जिहड़ा हैगा मैसेज लेकर जाइए। जब एक स्पैशल एफर्ट स्पैशल तौर पर किए जा रहे हैं तो वध लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, वध तो वध इफेक्टिवली ये मैसेज पहुँचे साडा परपज हैगा। एंड साड़ी कोशिश हैगी है कि लुधियाना जिले के जिन्ने भी वक् वक् ऑर्गनाइजेशन के नुमाइंदे है, सरकारी बंदे हैगे है, डिपार्ट बिल्कुल। रोड सेफ्टी वीक दे विच वक वक इवेंट्स है, जिवें असी पोस्टर मेकिंग कॉम्पीटिशन भी कर रहे हैं, चैकअप्स कैंप भी होंगे आईज दे, उस तो अलावा डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी होगी जिद तकरीबन 10 से 12 स्कूल जिले पद्धर से जिहड़ा है पार्टिसिपेट करेंगे।